कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले पैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या होता है हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाई। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। यह अवसर कैसे? एक वोट ने बदला है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं, और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले पैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या होता है हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाई। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा।